नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय पश्चिमी बाईपास की नहर के पास मौजूद है, जहां पर एक नीलगाय का बच्चा जो है वो फंस गया था इस नहर में। लेकिन यहां पर प्रयास जो है फिलहाल लोग कर रहे हैं और डायलेक्ट सुबारा की टीम और अग्निशमन की जो टीम है फायर ब्रिगेड की, वो भी मौके पर पहुंची हुई है और बता रहे हैं कि नीलगाय का ये देख लीजिए बच्चा जो है फिलहाल इस किनारे आने वाला था। शायद वो खुद ही बाहर निकल सकता था, लेकिन फिलहाल वो डर कर वापस जो है वो चला गया। हालांकि जो वाइल्ड लाइफ की जो टीम है उनको फिलहाल सूचित कर दिया गया है और ये ज़रूर है कि फ़िलहाल उसे निकालना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो डर कर जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। ये देख लीजिए जो बच्चा है, आपको जूम करके भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये डर कर जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। और आपको बता दें कुछ लेबर के लोग जो यहाँ से निकल रहे थे एक ट्रक के अंदर, काफ़ी सारी तादाद में थे, वो खुद रुक गए क्योंकि वो चाहते थे कि इस बच्चे को फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद से ही निकालना पड़ेगा, तो वो लोग खुद जो है यहाँ रुक गए और अब इसे निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये डर कर जो है फिर वापस दूसरे किनारे चला जाता है। हालांकि कुछ गोताखोर जो थे उन्होंने उस किनारे जाकर जो है फिलहाल उसे थोड़ा सा डरा कर इस तरफ लेकर आए, लेकिन वो फिर से डर कर कुछ लोगों से दूसरी किनारे पर जाकर देख लीजिए चला गया है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। हालाँकि जो वाइल्ड लाइफ की जो टीम है वो भी मौके पर जल्दी ही पहुँचने वाली है और फिलहाल ये ज़रूर है कि उसे निकालना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर जाल बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब से थोड़ी आगे अगर मैं आप दिखा दूँ, इधर से कुछ ही आगे जो झाल है वो बना हुआ है नहर का, अगर उस झाल में ये बच्चा चला गया तो समझ लीजिए कि ये जो इसकी जान है वो जा सकती है। और देख लीजिए वो उन प्रयास जो है वो कर रहा है, ये देख लीजिए हम आपको जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ज़रूर है वो खुद जो है पानी के अंदर जो है किनारे जो है अब वापस दूसरी तरफ जा रहा है। हालांकि वो एक सुरक्षित स्थान ही है फिलहाल, हम ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि इस तरफ झाल है तो अगर दूसरी तरफ जाता है तो फिलहाल ठीक है। तो उसे टीमें जो हैं अभी फ़िलहाल वाइल्ड लाइफ की वो पहुँच कर उसे निकालने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। देख लीजिए ये ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, ये देखिए ये चढ़ने का प्रयास कर रहा है। अगर ये खुद ही निकल जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन तो ये देख लीजिए ये डर कर जो है फिर से पानी के अंदर चला जाता है डर कर फिर से। और ये कुछ गोताखोर देख ली प्रयास कर रहे हैं उसे बचाने के लिए, मैं आपको गोताखोर जो है दिखाना चाहूँगा, वो भी आप देख लीजिए प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे, लेकिन ये ज़रूर है कि वो इतनी आसानी से हाथ तो नहीं आने वाला। तो ऐसे में फिलहाल अब रस्से वगैरह जो है वो आपस में जो, तो आप देख लीजिए फिलहाल जो ये नीलगाय का बच्चा है ये फिलहाल किस तरीके से गोताखोर भी देख लीजिए, पीछे ही उसके बिल्कुल नज़दीक ही गोताखोर भी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसे फ़िलहाल किसी तरीके से निकाला जाए। हालांकि ये आम जन है, कोई भी ऐसे गोताखोर नहीं है कि हाँ उन्हें कोई सरकारी गोताखोर हैं, लोग खुद ही जो मदद है वो कर रहे हैं, लोग खुद ही मदद कर रहे हैं, ये देख लीजिए उसे बचाने के लिए। और देख लीजिए जो रस्सा है, रस्से को भी फिलहाल यहाँ से एक साथ लेकर जो है उसे पकड़ने के लिए जो है पूरी तैयारी जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहां से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की नहर से, जहां गोताखोर तो अभी तक नहीं मौजूद हुए, लेकिन यहां पर कुछ लेबर क्लास थी, वही लोग सारे टीम बनकर इस नीलगाय को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ गोताखोर मौजूद हैं और बता दें कि वाइल्ड लाइफ की जो अभी तक टीम है वो पहुंची नहीं है मौके पर, वो पहुंचने वाले हैं, उनको इन्फॉर्म किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ये आम जनता है, ये जो लेबर क्लास है, इन लोगों ने यहाँ पर अपनी काम छोड़कर नीलगाय के बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। मेरी आप लोगों से यही अपील, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसे ज़्यादा शेयर करिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, रस्सा लेके आया गया, उस रस्से के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीलगाय के बच्चे को निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें करनाल से और यहाँ पर लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की पश्चिमी बाईपास नहर से। यहाँ पर गोताखोर जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो लेबर क्लास है वो लगातार प्रयास कर रही है कि वो नीलगाय के बच्चे को सुरक्षित निकाल सके, क्योंकि आगे बताया जा रहा है जाल है, अगर उसमें ये नीलगाय का बच्चा चला गया तो इसकी जान भी जा सकती है। तो मेरी आप लोगों से यही अपील, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसे ज़्यादा शेयर करिए। और आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की पश्चिमी बाईपास नहर से।
तो मैं आपको बता दूं, जो ये नीलगाय का बच्चा है काफ़ी नज़दीक देख लीजिए पहुंच चुका है, हालांकि नहर के बीच में यानी आधे रास्ते के बीच में तो पहुंच चुका है। अब इसे निकालने के लिए फ़िलहाल लोग जो हैं वो प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बता दें, बहुत ही तेज़ होता है, चालाक होता है, इतनी आसानी से हाथ आता नहीं है ये, क्योंकि नीलगाय जो है ये अलग प्रजाति है, कोई और ऐसी प्रजाति होती है तो वो कहीं ना कहीं वो फैमिलियर होती है वो लोगों के साथ, तो वो इस बात को समझ जाती है। लेकिन ये नीलगाय है तो ऐसे में इसे डर लगता है कि इसकी जान को कोई ख़तरा ना हो, तो उसको फ़िलहाल ये देखते हुए ये दूरी बनाकर जो है ये रखती है ये प्रजाति। तो ऐसे में फ़िलहाल ये देख लीजिए, ये नीलगाय का जो बच्चा है ये देख लीजिए, तो फ़िलहाल इसे बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये इस किनारे देख लीजिए, अभी इस किनारे भी देख लीजिए आने का प्रयास जो है वो कर रहा है, ये देख लीजिए इस किनारे जो है आने का प्रयास जो है वो कर रहा है। ऐसे में फिलहाल ये देख लीजिए प्रयास देख लीजिए कर रहे हैं लोग, इसे किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ये देख लीजिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसे बचाया जा सके। और ये देख लीजिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और उसे तो कहीं ना कहीं शायद वो पीछे से लात मारी उन्होंने एक लेबर क्लास को, उसको काफ़ी तेज़ जो है लात मारी लेबर क्लास जो व्यक्ति था उसे, तो वो कोशिश कर रहे थे उसे बचाने की, लेकिन उसने अपना बचाव करते हुए अपनी जो पीछे से शायद किक जो है उसने मारी। और ऐसे ही होता है ये, इस तरीके से जो भी जानवर है, जो आम जन इधर उधर नहीं घूमते हैं, जो सारे जितने भी जंगलों में जानवर होते हैं उतनी उन्हें डर लगता है इंसान जाति से, तो ऐसे में फ़िलहाल ये अपनी जान बचाने के लिए ही दूरी बनाकर रखे हुए, और लोग देख लीजिए कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने के लिए फ़िलहाल। तो देख सकते हैं कि फ़िलहाल किस तरीके से ये यहाँ पर अपनी जान जो है बचाकर जो है फ़िलहाल उधर गई, लेकिन जान इसकी बचाई जा रही है। अगर ये थोड़ी देर तक ये बच्चा यहाँ पर रहा तो कुछ ही देर बाद जो है उस झाल तक पहुँच सकता है, जिसके बाद इसकी जान को सीधा सीधा खतरा है। हालाँकि मौके पर जो वाइल्ड लाइफ की टीमें अभी तक पहुंची तो नहीं है, लेकिन उन्हें सूचित तो कर दिया गया था, डायलेक्स 12 की टीम से भी हमारी बात हुई है, लेकिन लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, ये बखूबी है और काफ़ी अच्छा काम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिलजुल कर ही इसे फिलहाल वो बचाएंगे। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, देखते हैं जब डायलेक्स टीम आती है वाइल्ड लाइफ की तो तब तक क्या इसे बाहर निकाल लिया जाता है या नहीं, या फिर क्या वही टीम आकर इसे बाहर निकालेगी। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।